नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। और आज हम लोग सीखेंगे एक से एक अद्भुत तरीके, जिसके सहारे जो हमारा प्रश्न होगा बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जो भी हमारे किताब में दिया रहता है फॉर्मूला, उस सूत्र को भी मैं बताऊंगा और अपने लॉजिक को भी बताऊंगा। दोनों में जो आपको कंफर्टेबल लगेगा आप उसी को एग्जाम में करें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कोई टीचर आपको बोल रहा वही करें। जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, जो अच्छा लगेगा उसी को करें, और ऐसा करना भी चाहिए। तो आज मैंने प्रश्न लिए नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे कंसेप्ट बताऊंगा आज, और कंसेप्ट पे अच्छा भी करवाऊंगा, और क्वेश्चंस मैं खुद ही देने वाला हूं। और जब ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसके प्रश्न एग्जाम वाले लेने वाले हैं। तो आइए कुछ कंसेप्ट शुरू करते हैं और देखते हैं किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए टाइप नंबर वन में हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे सवाल, जैसे कि सुनिएगा ध्यान से, ये टाइप नंबर वन है। कई बार निर्देशांक ज्यामिति में कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं, देखिए मैं लिख के भी बताने वाला हूं। यदि -2, 1, 1, 2, 5, 4 किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो आपको क्या बोलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा, इफ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एनी ट्रायंगल देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ये आपका क्या होगा? ये वर्टिसेस होगा, यानी ये हम लोग का शीर्ष हो गया। आप इसे डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायग्राम में आज टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करने वाला हूं। डायरेक्टली मैं पॉइंट्स की बात करूंगा कि यह सवाल इजीली कैसे सॉल्व होगा। आइए समझते हैं। सबसे पहला, यदि किसी भी किताब में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के सूत्र आपको मिल जाएंगे, और ये जो सूत्र है, यदि किसी बच्चे ने इंटर में साइंस पढ़ा होगा तो उनको भी पता होगा। सूत्र कुछ इस तरह से रहता है, ये मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ये किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया सूत्र कुछ इस तरह से। देखिए काफी लंबा सा सूत्र है, याद करने में भी बहुत डिफिकल्ट है। यदि आपको याद है तो कोई बात नहीं, एकदम डेफिनेटली आप ऐसा बनाएं। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार इसमें मान बैठाने में अच्छे अच्छे लोगों से गलत हो जाता है। अब रह गई बात कि x1, x2, y1, y2 ये सारे हैं क्या, आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें हम लोग डिनोट करेंगे, ये x1, y1 हो गया। सेकेंड कोऑर्डिनेट जो हो गया ये x2, y2 हो गया, और थर्ड कोऑर्डिनेट जो हो गया ये x3, y3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना, बस यहाँ पे मान बैठा दें। अगर आपको सूत्र याद है तो यही सवाल हमारा 15-20 सेकंड में इजिली बन जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारा ऐसा हो गया, इसे मैं मेथड वन बोल देता हूँ। ये तो आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। इस वाले में अगर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, इसे याद करना, और याद कर भी लेते हैं तो उसके बाद क्या हो गया, शायद में भी कहीं कहीं कैलकुलेशन में गलती हो। अब मैं बताता हूं दूसरा मेथड, देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए दूसरा मेथड बहुत ही अद्भुत है, बहुत मजेदार है। क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तीनों कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख दे, -2, 1, उसके बाद क्या करें 1, 2, उसके बाद क्या करें 5, 4। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ये तीनों कोऑर्डिनेट को मैंने लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है, जो सबसे ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है उसे एक बार और रिपीट कर दिया जाए कुछ इस तरह से। ठीक है ना, अब रह गया क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो 1/2 सोचिए हमारा अप्रोच के लिए हुआ, हमारा ट्रिक्स। अगर कोई मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि सर ये कहां से आया, इसी का मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं। ये यही 1/2 है जो इस ओरिजिनल फॉर्मूला में होता है। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा -4। एक एक चीज मैं बहुत आराम से बताता हूं आपको। उसके बाद इसको इससे माइनस करें, कितना आ रहा +4, इसको ऐसे लिख देना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा +5। इधर का मल्टीप्लाई खत्म, उसके बाद माइनस, हमारे अप्रोच में ये साइन में माइनस रहेगा। फिर ब्रैकेट शुरू करिए ताकि गलती नहीं हो। उसके बाद ऐसे ऐसे माइनस करें, कितना आ गया 1 sin+। उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 10 का भी साइन हो गया हमारा पॉजिटिव। उसके बाद इस तरह से मल्टीप्लाई करें, दैट इज -8। ब्रैकेट लगा दिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा कौन कहां से आया। इसके बाद 1/2, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। +4 -4 को कैंसिल हो गया, यहां पे बच गया हमारे पास 5 माइनस। इस वाले में देखते हैं क्या हो गया, 10 और 1 कितना हो गया 11,
और 11 माइनस 8 इज 3। अब हमारा उत्तर क्या हो गया, 1/2, 5 माइनस 3 इज 2, दिस इज 1, यही हमारा उत्तर हो गया। तो है ना कितना मजेदार। इसमें देखिए कुछ याद करने वाली बात नहीं है। इसमें और एक चीज बस ध्यान रखें, कभी कभी इसे सॉल्व करने से क्या होता है, नेगेटिव में आ जाता है, तो नेगेटिव में यदि आएगा तो उसे पॉजिटिव कर दीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम मैथ के एक्यूरेसी की बात करें कि सर ये प्लस में क्यों कर दे रहे हो जानबूझ के, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया इसे मॉड में डाल दें। मॉड का काम क्या होता है, यदि माइनस में आ रहा तो उसे भी प्लस में कर लिया जाए। तो आई होप कि आपने देखा होगा कि ये सवाल कितना जल्दी और कितनी आराम से बन रहा है, और कोई खासा चीज मुझे याद नहीं करना है। तो ये रहा हमारा मेथड नंबर 2। एक मेथड में और बताता हूं और जल्दी बनाने को, आइए ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा मेथड नंबर 3। चलिए ध्यान से सुनिए भी और ध्यान से देखिए भी, बड़ा मजेदार मेथड है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है इस पे जो भी साइन दिया रहेगा उस साइन को ओपोजिट कर देना है। ओपोजिट यानी उल्टा, उल्टा मतलब माइनस को प्लस कर दें, प्लस को माइनस कर दें, ठीक है ना। उसे यूज कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए, मेरे जैसा यूज करेंगे। आप पहले क्या करिए, सेकंड कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 1, 2, उसके बाद थोड़ा जगह छोड़ के 5, 4 लिख दीजिए। आप बाद में कैसे भी कहीं पे भी लिख सकते हो। अब पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या था, -2 और 1, इसके साइन को उल्टा करिए तो कितना आ जाएगा, 2 और -1, उल्टा करने से आएगा ना, मैं यहां पे लिख के बताता हूं। ये 2 और 1 को क्या करें, जो मैंने सेकंड वाला कोऑर्डिनेट लिखा एकदम इसके नीचे लिख दीजिए और यहां पे भी लिख दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना, एकदम सीधा सीधा जैसे बच्चे क्लास में जोड़ घटाव करते हैं ना, ऐसे करना। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 और 2 और 1 को घटाएंगे 1, साइन क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7। उसके बाद 4 में से 1 गया कितना आएगा, 3 आएगा, आई होप पॉजिटिव आ रहा, ठीक है ना। अब रह गया कि उत्तर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिख लेना है 1/2, फिर से वही 1/2 है जो फॉर्मूला का होता। अब ध्यान से देखिए इसके बाद आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये जो आप देख रहे हो नंबर 3 और ये जो देख रहे हो नंबर 3, यानी ये हो गया, सोचिए कि बाहर बाहर, बाहर वाले को बाहर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। इसके बाद माइनस, सोचिए शॉर्टकट का माइनस है। उसके बाद अंदर वाले को अंदर के साथ गुना करेंगे तो 7 × 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखो क्या उत्तर वही आ रहा, 9 में से 7 गया 2, 2/2, आंसर इज 1। तो आई होप आपको मैंने 3 मेथड्स बताया, एक तो आपके किताब का मेथड था, दूसरा और तीसरा मेथड आई होप बहुत ही मजेदार है। अब स्टूडेंट फैसला करे कि कौन सा मेथड आपके लिए कंफर्टेबल है। देखिए शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, आप क्या चीज कर सकते हो उसके पीछे भागिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी लोग को अच्छा लग रहा तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। तो ये तीनों में आप डिसाइड करिए कि कौन सा आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको तीनों में कौन सा अच्छा लगेगा, तो मुझे भी पता चलेगा कि जो मैंने मेथड डेवलप किया है वो आपको पसंद आ रहा है। तो ये 3 मेथड मैंने डिस्कस किया, आई होप कि पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल के तौर पे और लेता हूं और उसको भी बना के दिखाता हूं कि क्या हमारा आंसर आता है। तो चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, आइए और एक सवाल दिखाते हैं, ठीक है। चलिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है -2, 4, और एक सपोज हमारे पास कोऑर्डिनेट है 4, 6, और एक कोऑर्डिनेट ले हमारे पास है -1, -5। अब रह गया कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। मैं दोनों ही मेथड से फिर से सॉल्व करूंगा, क्योंकि अगर कुछ बच्चे को थोड़ा सा डाउट रह गया होगा तो इस वाले में सारा डाउट मैं क्लियर कर देने वाला हूं। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 2 में क्या सीखे थे, आइए देखते हैं। पहले क्या लिख लेना है, -2, 4, राइट। उसके बाद इसके नीचे दूसरा कोऑर्डिनेट, इसके नीचे तीसरा कोऑर्डिनेट, है कि नहीं। फिर ऊपर वाले को एक बार और उतार देंगे कुछ इस तरह से। आगे हम लोग क्या सीखे थे, आइए देखते हैं ना। 1/2 लिखना है, उसके बाद ऐसे करके कर देना मल्टीप्लाई। सारा चीज मैं एकदम आराम से करने वाला हूं, 6 × -2 - 12, ऐसे बस ब्रैकेट में लिखते चले। उसके बाद कुछ इस तरह से 5 × 4 = 20, साइन है -20। उसके बाद इस तरह से यह हो गया -4, इसके बाद यहां पे माइनस रहता है कि नहीं। इसके बाद इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16, उसके बाद इस तरह से माइनस करेंगे, दैट इज -6। उसके बाद इस तरह से ध्यान से देखिए, 5 × 2 = 10 हुआ, -, -, + यानी +10। बस इसी को ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं,
ध्यान से देखिए, तीनों साइन माइनस है तो ऐड हो जाएंगे ना, तो 12 और 4 16 और 20 और 16 होता है 36, साइन क्या आएगा, डेफिनेटली माइनस, यहाँ पे भी माइनस है। इसमें क्या कर लेते हैं, घटाते हैं ना, 16 में से 6 गया 10, 10 और 10 20, 1/2, इसको सॉल्व करने सारा नेगेटिव हो 56, है कि नहीं, कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ गया 28 नेगेटिव आया, जैसा कि मैंने बोला मॉड में होता है, आंसर इज 28। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरे मेथड से मैंने देखिए और एक एग्जांपल बताया, और आई होप कि आपको जो डाउट था वो दूर हो गया होगा, ठीक है। अब इसे मेथड 3 से भी बनाते हैं ताकि वो भी मेथड आपको समझ में आए। आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, 4 और 6, तो लिख देते हैं 4 और 6, उसके बाद थोड़ा जगह छोड़ के अगला कोऑर्डिनेट लिख देना है, -1 -5। उसके बाद इसके नीचे मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट्स होता है उसके साइन को उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा करेंगे आएगा 2 और -4, तो यहाँ पे लिखते हैं ना 2 और -4, यहाँ पे भी लिखते हैं ना 2 और -4। चलिए देखते हैं, इस वाले को पैरेलल, दोनों का साइन प्लस, 6 हो गया, 6 में से -4 हो गया, 2 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, और -4 -5 -9, है कि नहीं, आराम से हम लोगों ने सॉल्व किया। आगे देखते हैं क्या होने वाला है, दिस इज 1/2। उसके बाद मैंने कैसे सिखाया था, बाहर वाले को बाहर के साथ गुना करें, तो -9 × 6 - 54 हुआ ना, उसके बाद बीच में साइन होता है माइनस, फिर 2 × 1, अंदर वाले को अंदर के साथ गुना करें, -2, देखो तो वही उत्तर आ रहा, बिल्कुल आ रहा, यहाँ पे -56, आंसर इज 28। माइनस को तो मैंने हटा देने को बोला हुआ था। बोलिए समझ में आया, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। इस वाले मेथड को अगर आप देखिएगा, ये मेरे हिसाब से याद करने में जबरदस्त है, यानी आपको इसमें कोई हेजिटेशन या कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इस वाले मेथड में अगर बात करें, ईमानदारी से बात करें, कि अगर हम भी स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा आपको याद रखना है कि किसको उल्टा करना है और कैसे आगे जाके प्रोसीड करना है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप अपने से देखिए कौन सा बनाने में आप सहज हो, और जरूर प्रैक्टिस करिए, कोई भी दिक्कत आता है जरूर मुझे बताइएगा। तो सोचिए, ये हमारा रहा टाइप 1, मैंने 2 सवाल आपको बताए, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, देखते हैं कैसे बनेगा। इसके बाद क्या है, चलिए इस वाले को मैं हटा देता हूं जो मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, ये वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब सपोज मैं चलता हूं टाइप नंबर 2 पे, देखिए यदि बच्चे टाइप नंबर 1 सीख लिए है ना, तो टाइप नंबर 2 इजीली बन जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं, मान के चलो कैसा क्वेश्चन आएगा, -2 1 let 1 3, ये मैं अपने से रैंडमली क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूं, -4 6 1 और -1, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज के, ठीक है, चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। यानी इंग्लिश में ऐसा रहेगा, इफ दीज आर द, दीज मतलब ये जो पॉइंट्स दिया हुआ, इफ दीज आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल देन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अब रह गया ये प्रश्न, आए तो कैसे करें, तो जैसा कि मैंने वापस बोला, एक तो डायग्राम बना के कर लो। चतुर्भुज सपोज मैंने बनाया एक ऐसा, हम संख्या रेखा पे नहीं बना रहे, रैंडमली बना रहे, लेट मैंने लिखा ABCD। पहला उपाय देखिए क्या है, रैंडमली आप इसे मान के चलिए ये -2 1 था, ये 1 3 था, लेट सी हमारे पास -4 6 है, और ये दिस इज 1 - 1। अगर हम लोग मेथड नंबर 1 में जाते हैं, 1 में तो चलो फॉर्मूला है, अब उसे फॉलो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा क्रिटिकल है। मेथड नंबर 2 के हिसाब से जाते हैं, मैं आपको अपना निष्कर्ष भी बताने वाला हूं, अपना सुझाव भी देने वाला हूं कौन सा मेथड से करें। तो मेथड नंबर 2 में प्रॉब्लम क्या है कि मेथड नंबर 2 का जो हमारा था या 3 का हमारा था, पहले मेथड नंबर 3 को मैं बताता हूं। मेथड नंबर 3 से बच्चे अगर जाएंगे, जो बहुत जल्दी बन रहा था पिछले बार, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा, सपोज मैंने इसको मिला दिया,
तो करना क्या पड़ेगा, देख पा रहे हो ना, दो त्रिभुज बना है, तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, उत्तर आ जाएगा। लेकिन मेरा सुझाव क्या रहेगा कि इस वाले क्वेश्चन को जहां पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, मेथड नंबर 3 से मत बनाइए। क्यों? देखिए, मैंने पिछले बार आपको बताया दोनों मेथड। दिक्कत कहां पे पड़ेगा कि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे ही निकालने जाएंगे तो पहले साइन को रिवर्स करना पड़ेगा, फिर थोड़ा प्लस माइनस यहां, फिर थोड़ा प्लस माइनस यहां, फिर एरिया में, फिर इसमें भी करना पड़ेगा। मेरे अनुसार ये टाइम ज्यादा ले लेगा, तो आप मेथड नंबर 3 को इग्नोर करें। कैसे बनाएं? तो एकदम मेथड नंबर 2 से जाइए, ये एकदम आपको सपोर्ट करेगा, क्वेश्चन आपका जल्दी बन जाएगा। देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूं कैसे। उसी तरह से सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जितने भी कोऑर्डिनेट है उसे लिख दें। तो -2, 1, इसके नीचे 1, 3, इसके नीचे -4, 6। पिछले बार इतने ही दूर तक रहता था और इसको मैं रिपीट कर देता था। अब क्या है, चार कोऑर्डिनेट है, चारों लिखिएगा, घबराने वाली बात नहीं है। अब इस कोऑर्डिनेट को फिर से रिपीट मार दीजिए और बस एकदम उसी तरह से मजा लेने का है, ठीक है ना, कोई डरने वाली बात नहीं है। जो भी मैंने बताया एकदम उसी फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व कर, मल्टीप्लाई मैंने कैसे सिखाया, इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं -6, उसके बाद इस तरह से +6, उसके बाद इस तरह से, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 = 4, प्लस में होगा ना, उसके बाद इस तरह से, ये हमारे पास हो गया +1, ब्रैकेट खत्म, माइनस, फिर ब्रैकेट में नीचे लिख दे रहा, इसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करें, दिस इज 1, उसके बाद कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करें -12, उसके बाद फिर ऐसे मल्टीप्लाई करें +6, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करिए माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2, है कि नहीं, इतना जोड़ घटाव तो सभी को पता होता है ना, ये हमारे पास -12 है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये दिस इज -12 है ना। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, दिस इज 1/2, ये तो कैंसिल हो गया, 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। यहां पे आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 में से 3 गया, यहां पे क्या होता है साइन माइनस। थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं, कुछ कमजोर स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा, यहां 6 2 8 और 1 9, 9 में से 12 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो दिस इज 1/2, यहां 5 माइनस माइनस प्लस, अब देखिए ये 8 8/2, आंसर इज 4। तो यदि आप इसको करते हैं ना, तो टाइम ज्यादा से ज्यादा यानी हार्डली आपको लगेगा तो 15 सेकंड लगना चाहिए, और अच्छे बच्चे प्रैक्टिस कर ले तो 10 सेकंड मुझे लग रहा 8 से 10 सेकंड में इजीली बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऐसा बोलना चाहता हूं कि कभी कभार मैं ऐसा देखता हूं कि लोग 2 सेकंड 3 सेकंड का स्लोगन लगा दिए कि 2 सेकंड में बन जाएगा 1 सेकंड। आप ऐसा सोचो तो आप किसी को झूठ बोल के इंप्रेस नहीं करें कि 2 सेकंड 3 सेकंड, उसी को जब आप सर्च करते हो 2 सेकंड 3 सेकंड, जैसे ये खुलता है ये 10 सेकंड 15 सेकंड का हो जाता है। तो मैं आपसे कभी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूंगा, यही सवाल को मैं 2 सेकंड में नहीं बोल सकता हूं 2 सेकंड में बन जाएगा। हाँ, 10 सेकंड में बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 10 सेकंड में हम लोग लिमिट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको जरूर बनाइए। आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोगों ने बनाया हुआ। चलिए एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं, इसे वीडियो पॉज करके जरूर नोट कर लीजिएगा, एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। लेट सपोज करिए अपने पास एक क्वेश्चन रहा -1, 1, लेट अपने पास क्वेश्चन रहा -2, 2, उसके बाद रहा 1, 3, और लेट अपने पास रहा 2, 1। सपोज ये किसी चतुर्भुज के शीर्ष है, इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए ही बनाऊंगा ताकि कोई मेरे से छूटे नहीं, ठीक है ना, आपका बस आदत हो जाएगा, आपको जल्दी जल्दी करना। चलिए फटाफट लिख देते हैं, इसके बाद 1, 3, 2, 1, फिर क्या था, फर्स्ट वाले को उतार दो। आइए सॉल्व करते हैं, 1/2, पहले ऐसे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई +6, ऐसे मल्टीप्लाई +2, ऐसे मल्टीप्लाई +2, है कि नहीं, एकदम प्यार से बनते जा रहा है। इसके बाद इस तरह से मल्टीप्लाई करें 2, इस तरह से मल्टीप्लाई करें -2, इस तरह से मल्टीप्लाई करें +6, और इस तरह से मल्टीप्लाई करें -1, राइट, कोई दिक्कत लगा, बिल्कुल नहीं, आई होप कि समझ में आया होगा। आगे की ओर चलते हैं, 1/2, चलिए जोड़ते हैं, सबको आता है, 6 2 8 2 10 2 12, 12 हो गया, -2 2 कैंसिल हो गया यहां पे, है ना। अब कैसे चलेंगे, आइए बढ़ते हैं, 6 और 1 घटाने से कितना होता है, 5 होता है,
पांच ही आएगा ना, 12 में से 5 गया 7, 7 बाई 2, या तो ऑप्शन इतना रहेगा या 3.5। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारा बना है, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा, मैंने सॉल्व कर लिया है। यदि फर्दर आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगा या मेरे से लग रहा है कि गलती हुआ है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका उत्तर कुछ अलग आ रहा है, और अपने से जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। कुछ आपको लगेगा कुछ इस तरह से हमारा है। एक बार मैं वापस देख लेता हूं इसको, और मल्टीप्लाई में वापस चेक कर लेता हूं अगर यहां पे कुछ मुझे डाउट दिख रहा है। 1/2 था ये, हम लोगों ने क्या यहां पे 2 आ गया, ये हम लोगों ने क्या 6 आ गया, ये हमारा आ गया 1। तो देखिए यहां पे कुछ मिस्टेक मुझे पता चला, ये हमारा 1 रहेगा। चलिए इसको मैं करेक्शन करता हूं, 6 2 8 1 9 9 2 11, तो यहां पे आ जाएगा 11। तो आइए हमारा उत्तर आ जाएगा 11 में से 5 गया 6, 6 से 2 कट गया 3। तो इसमें मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया जो मल्टीप्लाई में थोड़ा मिस्टेक हुआ था। तो आई होप कि आपने अभी तक सीख लिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले, दो मेथड आपने सीखा। चतुर्भुज को भी निकाल सकते थे दोनों मेथड से, बट मैंने आपको सजेस्ट किया कि इसी मेथड से जाइए, जल्दी सवाल बनेगा। ये मेथड इतना अच्छा है कि आप पंचभुज में भी यूज कर सकते हैं यही, षटभुज में भी यूज कर सकते हैं यही, यानी आगे बढ़ते रहेगा, बस आप लिखने वाले स्टाइल को आगे बढ़ाते चले और आपका सवाल इजिली सॉल्व होते हुए चलेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और कुछ सवाल और लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और सीखते हैं। चलिए इसको मैं हटाता हूं। दो टाइप तो आपने सीख लिया, मजा भी आपको पक्का आया होगा। अब टाइप नंबर 3 को सीखते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है ना। टाइप नंबर 3 का भी बहुत अच्छा ट्रिक्स मैं बताता हूं। देखिए कभी कभी सवाल ऐसा आता है, आपको लिख के आएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कॉमा x अक्ष कॉमा y अक्ष से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये मैंने ओरिजिनल आपको फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन लिखा है, और आपको मैं शॉर्टकट बहुत अच्छा वाला बताने वाला हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। तो सवाल कुछ ऐसे आएगा, और कुछ कभी कभार ऐसे भी चेंज कर सकता है कि इतना एक्स अक्ष और वाई अक्ष से घिरे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोल सकता है, ऐसा भी सवाल हो सकता है। तो फिर रहा बात कि कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं इसमें एक्सप्लेन तो अच्छे से करूंगा, पहले देखिए एक जुगाड़ मेथड क्या है। अगर ऐसा सवाल दिखाई दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद रखिएगा ऐसा होता है, बहुत ही बढ़िया तरीका है, और तुरंत क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सी स्क्वायर बट्टा 2ab। अब ये c2ab क्या है मैं बताता हूं। यहां पे आप समीकरण देख पा रहे हैं, आपको मैं ओरिजिनल इक्वेशन भी देख के बताऊंगा। यहां पे जो भी लिखा रहेगा उसको c बोलते हैं। a और b क्या है आइए देखते हैं। x में जो गुना रहेगा उसे a बोलते हैं, y में जो गुना रहेगा उसे b बोलते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि यह सवाल कैसे आता होगा। देखिए एक सवाल मैं बताता हूं जो एग्जाम में आया हुआ भी है। ये सपोज करिए 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0 कॉमा x अक्ष कॉमा y अक्ष से घिरे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, और रहा बात कि यह छायांकित भाग बन कहां रहा है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा सवाल जब भी आता है ना, तो याद रखिएगा ये जो समीकरण है इससे डेफिनेटली एक ट्रायंगल बनेगा। वो कैसे बनेगा पहले सॉल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से देखिए सूत्र जो है, फॉर्मूला क्या था हमारा, सी स्क्वायर बाई 2ab। अब आंसर देखिए तुरंत आ जाएगा। सी मतलब मैंने क्या बोला था, इस जगह पे जो नंबर रहेगा। ए मतलब क्या बोला था, जो एक्स में गुना रहेगा। बी मतलब क्या बोला था, जो वाई में गुना रहेगा, ठीक है ना। अब रह गया इसमें साइन लेने की कोई जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट सबको पॉजिटिव ही लेना है। सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कभी मत करिएगा, क्योंकि वो करने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। तो इसे दो बार लिख दें, 12 गुना 12, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद क्या है, 2ab।
तो 2 इंटू ए, ए मतलब क्या है 3, बी मतलब क्या है 4। देखिए फायदा ये हुआ 3 इंटू 4 12 होता है, कट गया 2 से, ये कट गया, सो आंसर इज 6, यही हमारा उत्तर हो गया। है कि नहीं मजेदार मेथड, इजीली बन जा रहा, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा। ये हमारा एकदम हुआ कि जो आप किसी को बोल रहे हो, दावे कर रहे हो, मतलब पक्का 2 से 3 सेकंड में बनेगा। पेन वगैरह की लगाने की जरूरत नहीं है, आप देख के उत्तर बता सकते हो अगर कैलकुलेशन में थोड़ा स्मार्ट है तो। अब रह गया कि इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि रहा बात कि ये फॉर्मूला जो मैंने लगा दिया, पहले फोटो भी तो बनना चाहिए, कैसे होगा मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से होता है। सबसे पहला चीज कि हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, ध्यान से देखते चलिएगा, ये बस मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि ये छायांकित भाग बनता कैसे। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो हमारा कांस्टेंट देख रहे हैं 12, सबको 12 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे। जैसे मैं 12 से डिवाइड करता हूं, ये बन जाता है एक्स बाई 4, ये बन जाता है वाई बाई 3, ये बन जाता है 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा कि आगे क्या होता है, x का नीचे 4 है, मालूम है इसका मतलब क्या होता है, यानी सपोज करिए कि x का वैल्यू 4 है ये। अब x के नीचे 4 है यानी यहाँ पे y कोऑर्डिनेट नहीं है, y का पॉइंट नहीं है, मतलब उसे 0 पकड़ लिया, यानी ये हो गया 4 0, ठीक है ना। अब आगे आगे कैसे करते हैं, हमेशा याद रखिएगा पहले x के निर्देशांक लिखते हैं, बिंदु लिखते हैं, उसके बाद y के पॉइंट लिखते हैं। अब देखिए y का नीचे 3 है, इसका मतलब इसमें x नहीं है, यानी x 0 हो गया, y 3 हो गया, हमेशा देखिए x पहले y 0। अब रह गया कि इससे यदि मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूं तो देखिए एक त्रिभुज बन जाएगा। यहां छोटा सा मैं फोटो बना के दिखाता हूं, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट ग्राफ प्लॉट करना जानते होंगे। देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 4, तो मैंने किया 1 2 3 4। y का मैक्सिमम वैल्यू कहां सो रहा है, यहां पे 1 2 3। सबसे पहले x का 4 एंड 0 कहां पे प्लॉट होगा, तो x का सीधा 4 जाइए, y का 0 x का 0 तो ही होता है, इसके सीधा ऐसे बढ़ेंगे ऐसे, तो ये वाला मैंने लिख दिया 4 0। उसी तरह से x का 0 कहां, यहां पे, y का 3 तो एकदम ऊपर बढ़ जाइए, यहां पे पॉइंट लगा दिया मैंने। अब क्या है कि इसको मिला दीजिए, जैसे ही मैंने मिलाया देखिए एक त्रिभुज तैयार हो गया है, कैसे, ये वाला त्रिभुज है ना, बस इसी को मैं अगर ऐसा कर देता हूं तो यही क्वेश्चन बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। तो ये मैंने आपको बताया एक्सप्लेन करके कि छायांकित भाग बनता कहां है, और हमेशा याद रखिए जैसा कि मैंने बोला था, ये समीकरण एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है वो मैंने आपको यहां पे बता दिया, बट एग्जाम में इतना करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए यदि कोई बच्चे इसमें बनाते हैं, स्कूल लेवल पे करते हैं या किसी लेवल में, आप इसी मैथ को फोटो बना के भी कर सकते थे। इसके बाद मालूम है कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए इससे भी उत्तर आएगा, तो 1/2, इस त्रिभुज का बेस कौन है, ये कितना है 4 है, इस ट्रायंगल का हाइट कितना है, ऑब्वियसली ये कितना है 3 है, इसको यदि मैंने कैंसिल किया देखिए उत्तर आ गया 6। लेकिन जरूरत क्या है, जब ये सवाल बिना पेन से बन सकता है ऐसे ही बन सकता है, तो फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बस समझने के लिए था। तो चलिए एक सवाल और लिया जाए, देखते हैं कैसे बनेगा, क्या उत्तर आता है। और एक सवाल मेरा मेमोरी बेस्ड है, इसको भी देख के करते हैं कि कितना उत्तर रहेगा। सपोज करिए एक सवाल मैंने लिखा 6x 8y इक्वल टू 24, फिर से सपोज करिए भाषा वही है, एक्स एक्स वाई एक्स एंड डॉट डॉट, क्वेश्चन सोचिए वही है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। आइए कैसे बनेगा, फिर से शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते हैं, c² / 2ab, फॉर्मूला लगाते हैं c², जैसा कि मैंने बोला दो बार लिख दिए, यहां पे मैंने जो कांस्टेंट टर्म हुआ वो c है, 2ab 2 × 6 × 8 है ना। आइए सॉल्व कर लेते हैं कैसे होगा, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 8 से कट गया 3 बार में, उत्तर हमारा आ गया 6, ठीक है। तो देखिए कितना कम देर में हमारा बन गया, बना के करेंगे ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 सेकंड आपको लगेगा और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कभी कभी थोड़ा छोटा मोटा ट्विस्ट करता है, कैसे बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं ऐसे,
2x plus 3y equal to 6, comma, let मैंने वापस लिख दिया, 6x plus 10y equal to 12, comma, x अक्ष एवं y अक्ष से घेरे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। घेरे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। रहा बात, आपको कुछ डिफरेंस नजर आया क्या इस क्वेश्चन पे? ठीक है, हाँ है एक डिफरेंस। अगर मैं एकदम छोटा सा दिमाग लगाता हूं तो डिफरेंस क्या है कि पिछले बार एक ही समीकरण था ना, इस बार डबल समीकरण है। जैसे ही इसको ग्राफ में प्लॉट करिएगा ना, तो देखिएगा दो त्रिभुज बनेगा और दोनों त्रिभुज में देखिएगा एक बीच का क्षेत्रफल आएगा, वही मेरे को निकालना है। तो इसको मैं ग्राफ प्लॉट करके नहीं बताता हूं, डायरेक्ट बताने वाला हूं। आइए देखिए कैसे कैसे करना है। सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। फॉर्मूला क्या है? सी स्क्वायर बाई टू ए। बहुत अच्छा सा उपाय है। 6 इंटू 6, 2 ए बी, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो हम लोग समझ गए। 2 इंटू 3 6, ये कट गया, ये हमारा आ गया 3। उसके बाद क्या करिए, इसका भी एरिया निकालिए, वही फॉर्मूला, सी स्क्वायर यानी 12 गुना 12, 2 इंटू 6 इंटू 10, है ना, यही तो करेंगे। 6 गुना 2 12, कट गया, कितना आ गया 1.2। अब जब ये ग्राफ में प्लॉट करिएगा तो देखिएगा ऐसे फोटो हो सकता है, इस तरह से, ठीक है, हो सकता है फिर ऐसे फोटो, ठीक है ना, ये बड़ा था। अब देखिए ये दो त्रिभुज, आपको ये वाला का एरिया निकालना पड़ेगा, इसी को छायांकित भाग बोलते हैं। मैं इसमें फोटो बनाकर नहीं दिखा रहा हूं, बस समझा दे रहा हूं ऐसा। तो कैसे करोगे? तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी को तो छायांकित भाग बोलेंगे। यानी अब से डायरेक्ट याद रख ले कि दो समीकरण अगर ऐसा दिख रहा तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर दें। तो हमारा उत्तर निकालते हैं ना, 3 माइनस 1.2, आंसर इज 1.8 स्क्वायर यूनिट, जो भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए हमारा तरीका नहीं बदला, सवाल बदल चुका था, लेकिन तरीका हमारा वही का वही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया इसे, और आपने मजा भी लिया होगा। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने तीन टाइप बना लिया और तीनों टाइप को मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सॉल्व किया। तो चलिए चलते चलते एक टाइप और सीखते हैं। थोड़ा सा मैं समय और लेने वाला हूं, शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, बट थोड़ा सा और बताते हैं, आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा। तो एक टाइप और डिस्कस करते हैं, टाइप नंबर 4। और ये बड़ा जबरदस्त टाइप है और तरीका भी बड़ा जबरदस्त है, देखिए कैसे, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। सपोज करिए लिखा हुआ है माइनस 24 कॉमा 13 कॉमा 45, ठीक है, किसी चतुर्भुज के तीन शीर्ष हैं, ठीक है। अच्छा यहां पे ऐसा कर लो, यहां पे लिखा रहता है समांतर चतुर्भुज के, तो चौथा शीर्ष निकालें, चौथा शीर्ष ज्ञात करें, ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। इंग्लिश में सवाल ऐसा रहेगा, इफ 2 माइनस 24 13 45 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम देन फाइंड द फोर्थ वर्टिसेस, ठीक है, या फोर्थ वर्टिक्स, ऐसे करके आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा। आइए बताते हैं कैसे बनेगा। आज मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने बताता हूं, जब कभी अगली बार मिलेंगे तो इसका रीजन भी बताएंगे कि ये सूत्र मैंने कैसे सोचा और क्या ये सही है या नहीं है। वो तो आपको मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही है। अगले बार मैं ऐसे प्रूफ करके भी देने वाला हूं कि ये सूत्र मैंने कहां से बनाया और कैसे ये डायरेक्ट होता है। आज ऐसे ही सीखिए। अगर ऐसा सवाल आएगा तो ध्यान से सुनिए हम क्या कर रहे हैं। इसे लिख दीजिए, ये तीन दिया हुआ था, चौथा वाला जो है ना इसको एक्स वाई लिख दीजिए। बहुत मजेदार मेथड है, हार्डली हम लोग को 6-7 सेकंड में सॉल्व होगा, इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्या करिए, एक सिंबल बना देते हैं, इसको मैंने लगाया राइट, इसको लगाइए रॉन्ग, इसको लगाइए राइट, इसको लगाइए रॉन्ग। अब ये राइट रॉन्ग क्या है सोचिए। आज के लिए बस मैं इतना बोला, एक जुगाड़ अपना है और इस जुगाड़ को आराम से यूज करना है।
कैसे करेंगे मैं बताता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस वाले का एक्स कौन है, ये इस वाले का एक्स कौन है, ये। इन दोनों को साथ में लिखिए, कैसे, माइनस टू और इसका साइन क्या है, प्लस फोर। इधर खत्म हो गया। अब रह गया कि रॉन्ग वाले में जाइए, एक्स क्या है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। रॉन्ग वाले का एक्स क्या है, वन, और रॉन्ग वाले का यहां एक्स क्या है, वन, सॉरी एक्स, तो इसको क्या कर लो, वन एक्स का साइन प्लस, इन दोनों को बराबर कर देना। जैसे ही बराबर करिएगा एक्स आराम से निकल जाएगा, देखते देखते उत्तर हमारा आएगा। तो देखिए, चार में से दो गया दो, और ये एक इधर आ जाएगा ना, कुछ ऐसा एक्स का मान निकल गया, है ना। इसी तरह से वाई निकालते हैं, घबराइए नहीं, एक सवाल में और बताऊंगा, टेंशन मत ले, इसे एक्सप्लेन भी करेंगे। वाई में आते हैं, उसके बाद वाई मतलब कौन है, इसका, ये वाला, इसका वाई कौन है, ये वाला। इसलिए मैंने एक सिंबल बनाया, एक जुगाड़ बनाया कि राइट राइट को एक साथ रखो, तो फोर प्लस फाइव हो गया, है ना। उसके बाद इस वाले का वाई कौन है, रॉन्ग वाला का वाई एक साथ ले लें, थ्री इसका वाई, तो ये मैंने लिखा इस तरह से, बीच में लगा देते हैं इक्वल। सॉल्व कर लेते हैं, पांच और चार नौ, नौ माइनस थ्री होगा ना, वाई का वैल्यू सिक्स। तो आई होप कि चौथा शीर्ष बोला था मैंने एक्स वाई माना था, तो आंसर क्या आ गया, एक्स का वन वाई का सिक्स, यही हमारा उत्तर है ना। कमाल का मेथड, कोई फोटो बनाने का जरूरत नहीं है, आराम से देखते देखते हमारा उत्तर आ जा रहा। और शायद ये सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि छह से सात सेकंड सफिशियंट है, हार्डली जाएगा तो दस सेकंड बहुत है, ठीक है, आप इसे मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और इसी को लास्ट करने वाले हम लोग, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। लेट अपने पास एक क्वेश्चन है, वन माइनस वन टू थ्री, वन माइनस टू, और सपोज करो कि चौथा वाला मुझे निकालना है, फोर्थ कितना, आइए उसी तरह से बनाते हैं, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, देखते हैं कैसे होगा। चलिए इसे मैं दोबारा लिखता हूं ताकि बच्चे समझ पाए, और चौथा हो गया एक्स वाई। राइट रॉन्ग लगा दें, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग। चलिए राइट वाले का पहले एक्स पकड़े, ये एक्स, ये एक्स, तो वन प्लस वन। रॉन्ग वाले का एक्स पकड़ते हैं, रॉन्ग वाले का, ये वाला टू, ये वाला एक्स, टू प्लस एक्स, बराबर लगा दें, टू इधर भी टू, कट गया एक्स बराबर जीरो, ठीक है ना। उसके बाद वाई वाले को लेते हैं, राइट रॉन्ग वाले का वाई कौन है, ये वाला वाई है, सॉरी राइट वाले का वाई कौन है, ये वाला वाई है, कैसे लिखेंगे, माइनस वन माइनस टू, फिर इक्वल टू। उसके बाद रॉन्ग वाले का वाई लेते हैं ना, ये वाला थ्री, ये वाला वाई, तो थ्री प्लस वाई कितना आ जाएगा, माइनस थ्री। देखिए इस बार कटेगा नहीं, फिर से माइनस थ्री, वाई का वैल्यू कितना है, माइनस सिक्स। अब उत्तर हमारा हो गया जीरो माइनस सिक्स, ये हमारा आंसर। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, दो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है और किस तरह से बना, आई होप आपने देखा होगा, ये सवाल कई बार आया हुआ है। तो आज रहा हमारा चार टाइप, आई होप कि आपने मजा लिया होगा इसका, समझ में भी आया होगा। फिर भी फर्दर कोई दिक्कत हो गया होगा, यदि मुझसे कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसे मैं दोबारा देखने वाला हूँ, ठीक है। और आप लोग भी साथ साथ जरूर बनाते रहिएगा, हमेशा कॉपी और कलम लेके बैठ जाइएगा, जब भी मैं आपको वीडियोस देता हूँ या आप देखने वाले हो तो आपको एक अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा हो तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है, लाइक जरूर कर दिए, एक लाइक तो जरूर हम लोग देते हैं, किसी को भी देना भी चाहिए अगर पसंद आता है, और दूर दूर तक लोगों को बताइए मेरे वीडियोस के बारे में ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, नहीं पसंद आए तो डेफिनेटली आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं और अच्छे से मेहनत करने वाला हूं आपके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब आने वाला वीडियोस में बताने वाला हूं कैसे आएगा, थोड़ा सा मैं समय लेता हूं। अब जो वीडियोस मेरी आएगी वो सीरीज वाइज आएगी, ठीक है, रेलवे स्पेशल तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही। अब मैं क्या करता हूं, एक एक चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, धीरे धीरे उसको सॉल्व करते जाता हूं। जैसे लेट मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सीरीज जारी रहेगा, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री कुछ इस तरह से, और साथ साथ रेलवे स्पेशल के भी आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप घबराइए नहीं, एकदम आराम से ही हम लोग चलने वाले हैं। तो अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो मैथ या नहीं तो केमिस्ट्री से आने वाला है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखाई देंगे विथ एक्सप्लेनेशन विथ एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो
तो मुस्कुराते रहिए, सबको प्यार करते रहिए, अपने फैमिली को भी प्यार करिए, अपने दोस्तों को प्यार करिए और मुझे भी थोड़ा सा जरूर प्यार कर लीजिए। इसी के साथ आज के लिए गुड बाय।